बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। बीपीसीसी 133 के हवाले से मैं आपके सामने फिर से एक नए उनवान के साथ हाजिर हूँ। और जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने इस्तराब, खौफ और घबराहट के बारे में गुफ्तगू की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज उसी के सिलसिले में हम कुछ नए बीमारियों या ऐसे लक्षण के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम है और जिससे हम हमेशा दो चार होते रहते हैं। इस कड़ी में, खौफ, इस्तराब और घबराहट की कड़ी में आज जिन टॉपिक पर मैं आपके सामने गुफ्तगू करूँगी वो है उमूमी तशवीश की खराबी, या अंग्रेज़ी में इसे जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। नाज़रीन, तशवीश, खौफ, घबराहट, इन सब से हम रोज़ाना रूबरू होते रहते हैं और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी इससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर इनका असर पड़ता है और इनके असरात से हमारी ज़िंदगी जो है उस पर भी असर पड़ता है और हम परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, या हमारा अपने माशरे के साथ, अपने समाजी ज़िंदगी के साथ जो तालमेल है उसमें कुछ कमी या घबराहट या कुछ खराबी जो है वो पैदा होने लगती है। उमूमी तशवीश की खराबी, जिसे अंग्रेज़ी में जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है, वो आखिर है क्या? तो ये ऐसी खराबी है जो जिसमें मुस्तकबिल और ज़रूरत से ज़्यादा परेशानी शामिल होती है, जो रोज़मर्रा की सरगर्मियों में मदाखलत करती है। नाज़रीन, पिछले क्लास में भी हमने इस बात पर ज़ोर दिया था कि खराबी या डिसऑर्डर किसी भी लक्षण को बनने में ये ज़रूरी होता है कि हम ये देखें। मैं बात कर रही हूँ अमूमी तशवीश के बारे में कि आखिर ये अमूमी तशवीश है क्या। तो ये एक ऐसी खराबी है जो जिसमें मुस्तकिल और ज़रूरत से ज़्यादा, मुस्तकिल का मतलब कि लगातार बिना रुके, बिना किसी रुकावट के काफ़ी देर तक वो हम पर हावी होता है और उससे हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर पड़ता है। और ये परेशानी या ये जो तशवीश है वो ऐसी है जिस पर कि हमारा इख्तियार नहीं होता है, अनकंट्रोल्ड होता है ये, और हम चूँकि ये इस पर हमारा इख्तियार नहीं होता है और ये लगातार चलते जाता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में हमारी जिस्मानी कुछ हरकत ऐसे होने लगते हैं जिससे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर उसके असरात पड़ते हैं और वो उसमें मुदाखलत होता है और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी परेशान कुन हो जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखने के लिए आती है, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ नज़र आती है वो चीज़ जिस्मानी हरकतों में बदलाव नज़र आता है। यानी कि जब हम इस तरह की खराबी के शिकार होते हैं, यानी कि अमूमी तशवीश की बीमारी के शिकार जब हो जाते हैं, तो सबसे पहले कुछ ऐसे जिस्मानी हरकत जो है वो नज़र आते हैं जिससे कि ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमें इस तरह की खराबी हमारे अंदर होने लगी है या हम इस खराबी के शिकार हो रहे हैं। और वो जिस्मानी शिकायत जो होती है, जैसे कि हमारे दिल की धड़कन का बढ़ना, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करना, ज़रूरत से ज़्यादा तशवीश या परेशानी महसूस करना, घबराहट हो जाना, हम अक्सर बात बात पे घबरा सकते हैं, और सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि हम किसी एक चीज़ पर अपने जहन को या अपने दिमाग को नहीं लगा पाते हैं, यानी कि हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो उसमें ख़राबी हो जाती है और हम किसी भी चीज़ पर मुस्तकिल ध्यान देने में नाकामयाब होते हैं। इसके अलावा ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की जो हरकत होती है वो भी इस तरह की बीमारी में या इस तरह की खराबी में देखी जाती है, जो बहुत आम होती है। और नाज़रीन, आप अपने स्लाइड में यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो इलामत है, अमूमी तशवीश की जो इलामत है, उसमें सबसे ज़्यादा जो नज़र आने वाली इलामत होती है वो है कि हम अच्छे से ध्यान नहीं लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, थकावट महसूस करते हैं, या सोने में यानी कि नींद आने में हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा नींद आती है और कभी कभी ऐसा होता है कि
नींद आती ही नहीं है, यानी कि नींद की शिकायत हम ज़्यादा महसूस करते हैं क्योंकि हम परेशान होते हैं, तशवीश में होते हैं, इसलिए चिड़चिड़ापन होना, किसी एक चीज़ पर सही तरीके से ध्यान लगा नहीं लगा पाना, ये सब खास कुछ ऐसे हरकत होते हैं जिससे हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और वो उसमें परेशानी या मदाखलत होने लगती है। अब इसके इलामत में ही हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आप अपने स्लाइड में भी देख सकते हैं नाज़रीन कि सबसे ज़्यादा, और ये हम सब महसूस भी करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो परेशानी सबसे पहले होती है वो है हमारे सर में दर्द होना, यानी कि लगातार आपके सर में अगर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई तशवीश, कोई परेशानी, कोई घबराहट, कोई बेचैनी हमारे अंदर ज़रूर है। हमारा चिड़चिड़ापन होना, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन दिखाना, या फिर हम ये कह लें कि हमारे पूरे जिस्म में दर्द महसूस होना, यानी कि हम अपने को बहुत थका हुआ महसूस कर सकते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारे हमारे जिस्म के हर हिस्से में दर्द हो रहा है, मसल्स में जो दर्द है वो ज़्यादा हो रहा है, और हाथ पैरों का कांपना, जल्दी से डर जाना वगैरह वगैरह, इस तरह के बहुत सारे ऐसे जिस्मानी हरकत नज़र आते हैं जिससे कि ये पता चलता है कि अमूमी तशवीश की खराबी के हम शिकार हो रहे हैं। नाज़रीन, ख़ास तौर पर इसकी इलामत में दो तरह के जो सिम्टम्स हैं उनको माहिर नफ्सियात ने ख़ास तौर पर तवज्जो दी है, जिसमें कि सबसे पहले जिस्मानी जो सिम्टम्स हैं जिनको हम फिज़िकल सिम्टम्स कहते हैं, और दूसरे हम नफ्सियाती जो सिम्टम्स हैं उनको रखा गया है। जिस्मानी जो हमारे लक्षण या सिम्टम्स होते हैं उसमें सीने में दर्द की शिकायत, बार बार जम्हाई लेना या गले का सूखना, उल्टी महसूस करना, पेट में दर्द होना, सर में दर्द होना वगैरह वगैरह, इस तरह के जिस्मानी सिम्टम्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं। और नफ्सियाती सिम्टम्स के अंदर हम ये कह सकते हैं कि हमारा चिड़चिड़ापन होना, डरा हुआ महसूस करना, या हम थकावट महसूस होती है, या किसी चीज़ पर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करने में हम नाकामयाब हो जाते हैं, और लगातार रह रह कर करके हमारे जहन में कुछ ऐसे ख्यालात आते रहते हैं जिसकी कोई ख़ास और सही वजह जो है वो हमें समझ में नहीं आती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कुछ जिस्मानी और नफ्सियाती सिम्टम्स भी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से उनकी अमूमी तशवीश की बारे में हमें कुछ झलक मिलती है या उसकी इलामत हमें होती है। अब इसकी जो तिब्बी इलामत है, इसकी तिब्बी इलामत में हम ये कह सकते हैं कि हमारे चेहरे से बहुत सी चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं, जैसे कि जब हम घबराए हुए या डरे हुए होते हैं या परेशानी में होते हैं तो हमारा जो चेहरा है वो सबसे पहले इस बात की गवाही देता है कि हमारी जो भौहें हैं वो चढ़ी हुई होती हैं और हमारा चेहरा देखने से ही बहुत ज़्यादा दबाव में दिखता है। इसके अलावा जिसमें कपकपी होना या हमारे जो चमड़े की है, हमारे जो जिस्म की जो जिल्द है उस जिल्द में पीलापन ज़्यादा नज़र आना वगैरह वगैरह, कुछ इसकी ऐसी अलामत होती है जिससे कि पता चलता है कि परेशानी बहुत ज़्यादा है। अब नाज़रीन, आप अपनी स्लाइड में यहाँ पर आगे की स्लाइड में देख सकते हैं कि जिस इंसान को या जो इंसान इस तरह की इस्तराब की खराबी से अमूमी इस्तराब की खराबी से मुब्तला है वो कैसा नज़र आता है, वो आपको इस तरह से नज़र आएगा कि चारों तरफ से वो आपको परेशान दिखेगा, यानी कि जिस्मानी तौर से भी और नफ्सियाती तौर से भी, उसको देखने में परेशानी होगी, उसको बोलने में परेशानी होगी, उसकी दिल की धड़कन बढ़ी रहेगी, उसको सर में दर्द रहेगा, उसके पूरे जिस्म के हर हिस्से में उसको तकलीफ महसूस होती है, यानी कि अगर आप उस तरह के इंसान से जब मिलते हैं जो इस तरह की बीमारी के शिकार होते हैं तो आप देख करके उनके चेहरे से और उनके बातचीत और उनके रहन सहन से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी इंसान को किस इस तरह की बीमारी से वो मुब्तला है। अब DSM-5 के बारे में हमने पिछले क्लास में आपसे ये बताया था कि जितनी तरह की भी खराबी है या डिसऑर्डर है उसको DSM के तहत, यानी कि खास खास कैटेगरी बना करके उसको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें कि
DSM जो है, जिसे APA ने बनाया, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने तैयार किया है, तो उसमें लगातार बदलाव होते चले आ रहे हैं और अभी मौजूदा तौर पर DSM-5 को सबसे ज़्यादा माना जा रहा है, यानी कि DSM-5 में जो बदलाव किए गए हैं उसे ही इस तरह के जितने भी डिसऑर्डर हैं उसकी कैटेगराइजेशन के लिए माना गया है। तो यहाँ पर DSM-5 इस तरह की का जो मयार है वो इस तरह की बीमारी या इस तरह की खराबी के बारे में क्या बताता है, वो ये बताता है कि ये ज़रूरी है कि इस तरह की खराबी जिसमें कि हमें सोने में तकलीफ होती है, हमारे मसल्स में दर्द महसूस होता है, हम लगातार चिड़चिड़े बने हुए होते हैं, जल्दी थकान महसूस होती है, हमें अपने किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करने में हमें तकलीफ होती है और लगातार हम ये महसूस करते हैं कि हम बेचैन हैं, थके हुए हैं, थकावट है, तो और ये सिलसिला लगातार चल रहा है और लगभग अगर 6 महीने तक ये चलता है तो DSM-5 के हिसाब से ये अमूमी तशवीश की खराबी मानी जाती है और तब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम इलाज की तरफ आगे बढ़े। अब इसके इस मयार में DSM-5 के जो मयार हैं उसमें आप अपने स्लाइड में यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात DSM-5 में बताई गई है इस बीमारी के लिए, वो बताई गई है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा परेशानी महसूस होती है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हमें किसी चीज़ से परेशानी होती है तो वो परेशानी, वैसे तो नाज़रीन परेशानी हमें हर चीज़ में होती है, अगर हमारा इम्तिहान है तो हम परेशान होते हैं, अगर हमें किसी के घर जाना है तो भी परेशानी की बात है, रोज़ सुबह स्कूल कॉलेज के लिए निकलना है वो भी परेशानी की बात होती है, लेकिन अगर ये परेशानी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये परेशानी एक बीमारी की शक्ल अख्तियार कर सकती है। या अगर हम ये महसूस करें कि हमें जो परेशानी हो रही है या हम किसी परेशानी में अगर मुब्तला हैं तो वो परेशानी हमारे हाथ से बाहर जा रही है, हम उसे अपने इख्तियार में नहीं रख पा रहे हैं, यानी कि हम उससे आगे नहीं निकल सक रहे हैं या उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो भी ये परेशानी वाली बात हो सकती है। और इसके अलावा ये परेशानी इन परेशानी के साथ, ये जो परेशानी है जो कि हमारे अख्तियार में नहीं है या ये परेशानी जो लगातार बनी हुई है उसके साथ कम से कम इन 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। वो क्या चीज़ें हैं? वो चीज़ें हैं कि हमें आराम महसूस नहीं होना, यानी कि हम लगातार बेचैन हों, हम जल्दी थकावट महसूस करें और हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करें, चिड़चिड़े होते रहें या हमारे मसल्स में, हमारे पूरे जिस्म में दर्द हो और नींद की शिकायत हो, यानी कि कम या ज़्यादा हो। इसमें से कम ये अगर 2-3 चीज़ें भी होती हैं, सारी की सारी चीज़ें नहीं भी हो लेकिन 2-3 चीज़ें भी अगर होती हैं तो ये माना जाता है कि हम अमूमी तशवीश की खराबी के शिकार हैं और हमें फिर इलाज की ज़रूरत पड़ती है। अब ये किस उम्र में होता है, किन लोगों को ज़्यादा होता है, तो ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जब हम ऐस उम्र के उस दौर पे खड़े होते हैं जहाँ पर हमारा बचपन छूटता है और जवानी शुरू होती है, यानी कि जिसे हम टीन एज कहते हैं, ऐसी उम्र जिस जो कि बचपन और जवानी के बीच की उम्र होती है, वहाँ पर इस तरह की तशवीश की खराबी की शिकायत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सवालात और ऐसी उलझनें होती हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता है या जिनको कैसे सुलझाया जाए या जिनसे कैसे निपटा जाए, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे समझ में आसानी से नहीं आती हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हम इस तरह की बीमारी के शिकार हो सकते हैं या जल्द हो जाते हैं। अब इसकी वजूहात क्या है? जब ये बात सामने आ गई कि अब हम इन सारे उनकी इलामत को देख करके ये समझ जाते हैं कि किस तरह की बीमारी के हम शिकार हो रहे हैं, तो हमें ये जानने की ज़रूरत पड़ती है कि आखिर ये बीमारी होती ही क्यों है। तो इस बीमारी के बहुत सारे वजूहात बताए गए, ख़ास तौर पर हम नफ्सियात की बात कर रहे हैं तो नफ्सियाती तौर पर इसके कुछ ऐसे ख़ास नज़रियात पर तवज्जो दी गई जिसकी जो कि इस तरह की बीमारी के बारे में, इसके वजूहात के बारे में बहुत अच्छे से उसको समझाता है।
इसमें सबसे पहले बताया गया कि इसका नफ्सियाती जो नजरियात है वो कैसा है, वो क्या कहता है, उसके अलावा उसका इल्मी और रवैयात के जो नजरियात हैं, फिर हयातियाती नजरियात हैं, और फिर उसकी हमारे जो जीन्स हैं। तो इसमें जो हयातियाती नजरियात हैं इसमें ये बताया जाता है कि हमारे जिस्म में जो हार्मोन्स निकलते हैं जिस्म से, उसकी उसमें तालमेल जब सही नहीं होता या उनके उतार चढ़ाव की वजह से हमारे जिस्म में कुछ इस तरह के हार्मोन्स जो है वो पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये परेशानी, इस तरह की परेशानी के हम शिकार होते हैं। इसके अलावा उसके बाद फिर साइकोडायनेमिक जो पर्सपेक्टिव है वो ही बताता है कि हमारा लाशऊरी जो जहन है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। फिर इल्मी और रवैयात से जुड़ी हुई जो नज़रियात हैं वो ये बताती हैं कि हमारे सोचने समझने का नज़रिया और फिर हमारा जो रवैया होता है वो कुछ हद तक इसके लिए ज़िम्मेदार है। और जो इंसानी नज़रियात हैं वो ये बताता है कि अगर हमें महसूस होने लगता है कि हमारी जो हिफाजत है या हम पर हमला हो सकता है, हम खतरे में हैं, तो इस तरह की परेशानी के हम शिकार हो सकते हैं। जहाँ तक हयातियाती नुक्ते नज़र के का सवाल उठता है उसमें ख़ास तौर पर यह बात बताई गई कि बहुत जो जुड़वा बच्चे होते हैं और इस तरह से देखा जाता है कि जिन फैमिली में जिसके वालिद या जो वालिदैन हैं, जो वालदा हैं उनकी, अगर उनमें इस तरह की बीमारी की अलामत दिखाई देती है तो उस तरह उनके बच्चों में भी ये सारी चीज़ें होने की गुंजाइश जो है वो ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद फ्रायड ने बताया कि जो नफ्सियाती नुक्ते नज़र है जिस के तौर पर फ्रायड ने बताया हमारे अंदर कई तरह की परेशानी तशवीश होती है। एक तो हम रियलिस्टिक एंग्जाइटी कहते हैं जिसमें कि हमें उन चीज़ों की परेशानी होती है जो कि जिनसे हमारा वास्ता होता है या हम वो हमारे लिए हम मौजूदा तौर पर हमारे साथ होती हैं, उन चीज़ों से हमें परेशानी हो सकती है। दूसरा बताया उन्होंने कि मॉरल एंग्जाइटी होती है। मॉरल एंग्जाइटी का मतलब ये बताया उन्होंने कि हमें जब भी किसी कोई गलत काम करते हैं तो हमारे अंदर हमारा जो सुपर ईगो है वो हमें इसकी इजाज़त नहीं देता है और वो हमें अच्छे बुरे की पहचान बताता है। तो जब हमें लगने लगता है कि हमने कुछ गलत किया तो हम इसकी वजह से हमें मॉरल एंग्जाइटी या इस तरह की तशवीश जो होती है। और इसके बाद जो उन्होंने एक और तरह की जो तशवीश के बारे में बताया जो कि ख़ास तौर पर अमूमी इज़्तिराब की तरह की खराबी के लिए ज़िम्मेदार होती है, वो है न्यूरोटिक एंग्जाइटी, यानी कि जब हम कई तरह की उलझनों से मुब्तला हो जाते हैं और हम उसको सुलझा नहीं पाते हैं शौरी और लाशौरी दोनों तरह से, तो उस ये सारी उलझने जिस्मानी अलामत के तौर पर किस अलग तरह के रवैयात की शक्ल में बाहर निकलती हैं और हम इस तरह की बीमारी के शिकार हो सकते हैं। और वैसे जो हम डिफेंस मैकेनिज्म का जो इस्तेमाल करते हैं कुछ अपने हम जो अपने रवैयात को अपने मुआशरे के साथ अपने हालात के साथ तालमेल बिठाने के लिए जो कुछ डिफेंस मैकेनिज्म का जो सहारा लेते हैं उसकी भी वजह बनती है कि हम इस तरह की बीमारी के शिकार हो सकते हैं। कॉग्निटिव या इल्मी जो नुक्ता नज़र है वो इस बात की सिफारिश करता है कि हमारे अंदर हम ये इमेजिन करते हैं या हम ये तसव्वुर करते हैं कि इस तरह की कोई ऐसी परेशानी वाली बात है या जिस परेशानी को हम खतरा समझ लेते हैं कि अब उससे निकलना मुश्किल हो जाता है, यानी कि हमारे सोच में इस तरह का बदलाव हो जाता है कि हम अपनी परेशानी से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो इस तरह की बीमारी के शिकार होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। ह्यूमनिस्टिक या इंसानी नुक्ता नज़र वो ये बताता है कि अगर हम किसी से हमें सही तरीके से हम जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ नहीं मिलती है या हमें लगने लगता है कि जिस माहौल में जिस हालात में जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वहाँ पर हमें ज़्यादा नुकसान होने की गुंजाइश ज़्यादा है, यानी कि खतरे की ज़्यादा गुंजाइश होती है, तो हम वहाँ पर इस तरह की घबराहट या परेशानी के शिकार हो सकते हैं और हम उस परेशानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं या उस परेशानी
में और ज्यादा मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगने लगता है क्योंकि कि हमें ज्यादा लोगों से सही तरीके से इज्जत नहीं मिल रही है, प्यार नहीं मिल रहा है, हिफाजत नहीं मिल रही है वगैरह वगैरह, तो घबराहट होना लाजमी हो जाता है। सोशल पर्सपेक्टिव ये बताता है कि जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज किस तरह का है। अगर हमें महसूस होने लगता है कि जिस समाज में हम हैं और वहां पर कुछ खतरा है, कुछ हमें नुकसान होता है, तो या वहां पर हमें लगता है कि हम वहां पर ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं, वहां पर बहुत सारी कमियां हैं और उन कमियों से हम अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो इस तरह की बीमारी या इस तरह की उलझन जो है वो हमारे जहन पर ज्यादा काम करने लगती है। अब बात जब वजूहात की हो गई कि हमें वजूहात के बारे में भी जानकारी मिल गई और इसके अलामत की भी जानकारी हो गई, तो सीधा जो जहन में दिमाग में हमारे सवाल आता है कि आखिर तब इस तरह की बीमारी या इस तरह की खराबी का इलाज क्या है, यानी कि हम उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो इसके इलाज के सिलसिले में एक बहुत अच्छी चीज बताई माहिर नफ्सियात ने, जो कि आपके स्लाइड में आप भी देख सकते हैं नाज़रीन, कि यहाँ पर एक लफ्ज के तौर पर एक उस पूरे इलाज को बताया गया, और वो लफ्ज है अवेयर, यानी कि AWARE, यानी कि इस लफ्ज में इस बीमारी से बचाव के या इसकी इलाज की सारी बातें छिपी हुई है। ए से है एक्सेप्टेंस, यानी कि हम जब भी किसी चीज से या किसी परेशानी से मुब्तला होते हैं तो हमें उस चीज को अपनाना चाहिए और उस चीज से बाहर निकलने की जरूरत से ज्यादा कोशिश जो है वो नहीं करनी चाहिए। अगर नाज़रीन आप ये देखें कि आपका इम्तिहान है और आप बहुत घबरा रहे हैं, आपको इस बात की परेशानी होती हो रही है कि अगर हमने सही तरीके से एग्जाम नहीं दिया तो हमें अच्छे नंबर नहीं आएंगे, और अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो हमें बहुत डांट पड़ेगी, या आगे का मेरा जो रास्ता है वो खुलेगा नहीं, तो इस तरह की बातों से हम परेशान ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें, इस चीज को मान लें कि जैसा भी नंबर आएगा या जिस तरह का भी हमारा इम्तिहान हो, हमें उसको उसके बाद आगे तय करना है कि हमें क्या करना है, या हम उसी के साथ कुछ उसके हिसाब से ही कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि हम जिंदगी में आगे बढ़ सकें। तो जब हम उस चीज को अपना लेते हैं तो वो चीज हमें किसी भी कोई भी ऐसी चीज उस जिस चीज को जब हम अपना लेते हैं जो कि हमारी परेशानी की वजह बनती है, अगर हम उसको अपना लेते हैं तो वो परेशानी अपने आप खत्म हो जाती है। मान लीजिए कि आपका ऑपरेशन हुआ और आपको बहुत तकलीफ हो रही है और आप उस दर्द से चिल्ला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप इस चीज को अपना लेते हैं कि ये परेशानी है, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी, और जब तक दवा और इलाज चल रहा है इस तरह की परेशानी हमें होती रहेगी और हमें उसे अपनाना है, तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि आपकी परेशानी पहले से बहुत कम हो जाती है। तो अपनाना या एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ी चीज होती है जिससे कि हमारी परेशानी जो है या तश्वीश जो है बहुत हद तक कम हो जाती है। इसके बाद देखना, वॉच, कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे हम उस अपनी परेशानी को और उससे होने वाले जो नतीजे हैं उसको अलग कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं कि जो कि हम उसको जिसको हम कहते हैं कि वॉचफुल होना, कि अपने बारे में हम अपनी परेशानी या अपनी मुश्किलात को हम देखते रहें, उसको उसको उस पर नजर रखें कि किस तरह से हम उससे बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद है कि एक्ट विद इट, उसी के साथ काम करना है, यानी कि धीरे धीरे हमें उस तरह से उस तरफ बढ़ना है जो कि हमें उस परेशानी से बाहर निकलने में मदद करती है। फिर है रिपीट, एक उपाय है कि रिपीट कर, कि मतलब कि आप उस चीज को जो जैसे कि यहाँ पर हम बता रहे थे कि हम उस काम को करते हैं, तो वो काम जो जिससे कि हमें आराम मिलता है, जिससे हमें खुशी मिलती है, उसको हम रिपीट करते हैं। उसके बाद है लास्ट में कि जिस काम को भी हमने किया अपनी पूरी मेहनत से किया, तो हम ये उम्मीद करें कि जो भी हमने किया वो अच्छा हुआ और आगे भी उससे अच्छी चीजें ही मिलेंगी और अच्छा ही होगा। तो
तो अगर हम बजाय ये सोचें कि अच्छा नहीं हुआ या और थोड़ी मेहनत करते तो और अच्छा हो सकता था या इसमें कुछ और कोशिश की जा सकती थी वगैरह वगैरह, तो ये सोचने से परेशानी और बढ़ सकती है। और अगर हम ये सोचें कि जो हुआ सब अच्छा है और अच्छा ही उसका अंजाम भी होगा, तो हमें अपनी परेशानी से निजात मिल सकता है। अब इसका इसके इलाज में जो सबसे ज़्यादा मशहूर या जिसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इलाज है नफ्सियात में, वो है साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी में दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक तरह की उस जिसमें हमने कहा कि इल्मी और रवैयात से जुड़े हुए, यानी कि हम अपनी सोच में अपने नज़रिए में बदलाव करके काफ़ी हद तक इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। उसके अलावा है आपके सामने दवाइयाँ, तो कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि एंटी डिप्रेसेंट होती हैं, कुछ ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं जो कि हमें बहुत सुकून देते हैं, आराम देते हैं, और उसका इस्तेमाल करने से हम अपनी मुश्किलात से बाहर निकल सकते हैं। कुछ और ऐसी भी दवाइयाँ हैं जो कि नेचुरल हैं, जो कि हमें पेड़ पौधों से या जड़ी बूटियों की मदद से मिल सकता है, उसका भी इस्तेमाल जब हम करते हैं तो हमें बहुत आराम मिलता है और हम उससे भी उसका इस्तेमाल करके इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थे अमूमी तशवीश की खराबी के बारे में कुछ जानकारी कि वो क्या होती है, इसकी अलामत क्या होती है और उसकी वजूहात क्या है और उसके इलाज क्या है। तशवीश, बेचैनी और घबराहट की जब हम बात करते हैं तो उस सिलसिले में एक और बहुत आम और बहुत मशहूर बीमारी या खराबी हम कह सकते हैं, जिसे नफ्सियात में बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है या माहिर नफ्सियात इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, वो है जुनूनी मजबूरी की खराबी। जुनूनी मजबूरी, जिसे अंग्रेज़ी में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है, यानी कि इसमें आप देख रहे हैं कि जुनून है, मजबूरी है और खराबी है, ये तीन लफ्ज मिल करके एक ऐसी बीमारी को पैदा कर रहे हैं जिससे हमारे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उस पर उसके काफ़ी असरात होते हैं। तो जुनूनी मजबूरी की खराबी क्या है, सवाल यहाँ पर हमारे जो जहन में आता है कि ये जुनूनी मजबूरी क्या हो सकती है। तो जुनूनी मजबूरी, जिसे शॉर्ट में या हम कह सकते हैं कि इसके हम पहले अंग्रेजी के पहले जो लेटर है उसको लेकर के बनाया गया है, OCD, यानी कि ओ से अंग्रेजी का के ऑब्सेशन का ओ लिया गया है, कंपल्सिव का सी और डिसऑर्डर का डी लेकर के इसका शॉर्ट फॉर्म तैयार किया गया, जिसे OCD कहा जाता है। एक जहनी आर्जा है, यानी कि एक जहनी आर्जा है कि मतलब दिमागी बीमारी इसका हम कह सकते हैं, जिसमें जुनूनी ख्यालात शामिल होते हैं जो मजबूरी के आमाल का बायस बनते हैं, यानी कि हम हमारे जहन में कुछ इस तरह की बातें, जुनून जिस से आपका मुराद ये है कि हमारे जहन में कुछ ऐसे ख्यालात इस हद तक आते हैं जो कि जुनून की शक्ल लेते हैं, यानी कि वो लगातार आते रहते हैं। जब हम इस हमारे जहन में ये सवाल आता है कि ये जुनूनी मजबूरी खराबी क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो ऐसी सोच, ऐसे ख्यालात जो है जो ज़रूरत से ज़्यादा हम पर हावी होते हैं और इतने ज़्यादा हावी होते हैं कि हम उससे जुड़ी हुई हरकतें करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कंपल्शन लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है, मजबूरी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है कि हम मजबूर हो जाते हैं, हम हमारे जहन में वो जुनून या वो ख्यालात इस तरह से हमें परेशान करते हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं उससे जुड़ी हुई हरकत को करने के लिए। इसकी तारीफ के सिलसिले में माहिर नफ्सियात ने बताया कि जुनूनी मजबूरी की खराबी एक जहनी सेहत की हालत है जिसकी खसूसियात जुनून और मजबूरियों से होती है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मदाखलत करती है। नाज़रीन, किसी भी खराबी को बीमारी बनने के लिए ये ज़रूरी है कि वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मदाखलत करे, क्योंकि थोड़ी बहुत परेशानी या खराबी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम और आप हमेशा करते हैं, लेकिन वो बीमारी की या खराबी की शक्ल तभी लेता है जब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर उसके असरात होते हैं। अब इसके जुनूनी मजबूरी खराबी में
खास बातें क्या होती हैं? तो खास बात ये होती है कि हमारे जहन में जो ख्यालात आते हैं वो लगातार आते रहते हैं, लगातार, वो रुकते नहीं हैं, वो लगातार आते रहते हैं और उस पर हमारा कोई कब्जा जो है वो नहीं होता है, कोई इख्तियार नहीं होता है। यानी कि अगर हम कितनी भी कोशिश करके उन ख्यालात को, ये चाहें कि वो ख्यालात हमारे जहन से निकल जाएं, या वो ख्यालात हमें परेशान ना करें, या वो ख्यालात बार बार ना आए, लेकिन हम उस पर अपना कब्जा जो है वो नहीं कर सकते हैं और वो ख्यालात हम पर हावी होते चले जाते हैं। और वो जितने ज्यादा हावी होते हैं, हम मजबूर हो जाते हैं उस ख्यालात के से जुड़ी हुए हरकत को करने के लिए। तो नाज़रीन, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इस बीमारी में दो बातें हैं, एक है जुनून जिसे ऑब्सेशन कहते हैं और दूसरा है कंपल्शन यानी जिसे हम मजबूरी कहते हैं। तो जुनून में ये बातें साफ हो गई कि ऐसे ख्यालात जो बार बार हमारे जहन में आते रहते हैं और हमें परेशान करते हैं वो जुनून कहलाते हैं, और मजबूरी या कंपल्शन वो चीज़ है कि जहाँ पर हम उन ख्यालात से जुड़े हुए हरकत को करने को मजबूर हो जाते हैं। अब इसमें इसका एक साइकिल या इसका एक सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है कि जब भी हम हमारे जहन में इस तरह के जुनूनी ख्यालात पैदा होते हैं तो हमें तश्वीश होती है। जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे ख्यालात जो लगातार हमारे जहन में बार बार आ रहे हैं और हम उन ख्यालात से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो ख्यालात हमारे जहन में परेशानी का सबब बनते हैं। और जब वो ख्यालात हम पर हावी हो जाते हैं तो हम उससे जुड़े हुए हरकत को करने को मजबूर हो जाते हैं, यानी कि हम कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो कि हमारे उन ख्यालात से जुड़े हुए हैं जो कि हमारे जहन में बार बार लगातार बने हुए हैं। और जब वैसी हरकतें हम कर लेते हैं तो हमें जाके आराम मिलता है, यानी कि हमें फिर सुकून मिल जाता है। तो अपने ख्यालात से जुड़े हुए बातों से हम परेशान होते हैं और उस परेशानी के बाद हम उस ख्यालात से जुड़े हुए हरकतों को करते हैं, करने के लिए मजबूर हो जाते हैं बल्कि। और जब हम वैसे हरकतें कर लेते हैं तो हमें आराम मिलता है। अब इस बीमारी की इलामत क्या है, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जुनूनी मजबूरी की शिकायत है या जुनूनी मजबूरी की खराबी के हम शिकार हैं? तो इसकी कुछ अलामत है जिसमें कि खास तौर पर यह है कि कुछ चीजों को जमा करना। जैसे बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि जिनकी कुछ आदत होती है कि अगर कपड़े हैं तो हर तरह के कपड़े जो कि इस्तेमाल के हैं या छोटे हो गए हैं या पुराने हो गए हैं, उनको वो जमा करके रखते हैं। ज्यादातर देखा जाता है कि हम गैर जरूरी चीजों को अपने इस्तेमाल की चीजों से हटा देते हैं, कि अगर जो चीज जिन चीजों का इस्तेमाल नहीं है तो हम उन चीजों को जमा नहीं करते हैं। लेकिन इस तरह की बीमारी में ये देखा जाता है कि लोग उस तरह की चीजें जो कि गैर जरूरी है या जिससे जिसकी जरूरत हमारे जिंदगी में नहीं पड़ती है, उन चीजों को भी वो जमा करते हैं। तो जमा करने की एक बीमारी या एक जो इलामत है वो देखने को मिलती है इसमें। इसके बाद है हर चीज को सही ऑर्डर में रखने की, यानी कि बिल्कुल अगर वो चीज जरा से भी इधर से उधर हो जाती है तो हमें घबराहट होने लगती है, हमें परेशानी होने लगती है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। इस तरह की हम इलामत जो है वो दिखाने लगते हैं। और बहुत खास जो है वो खास है सफाई की बीमारी, यानी कि हमें लगता है कि हमारे हाथ जो है वो गंदे हैं, हमारा जिस्म जो गंदा है, हमारे कपड़े गंदे हैं, हम हमारे कुर्सी और टेबल या जो हमारा घर है वो गंदा है, हमारे खाने के बर्तन है उसमें गंदगी है, या कहीं चारों तरफ कुछ इतनी गंदगी फैली है कि वहां पर हम रुक नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये खास तौर पर इस तरह की इलामत जो है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे इलामत है, जैसे कि हमने अगर कहीं ताला लगाया तो हम उसको इतनी बार खींच के देखते हैं, बार बार खींच खींच के देखते हैं कि हम उसको कि कहीं वो खुला तो नहीं रह गया है, या कहीं वो हमने सही तरीके से उसको बंद किया या है या नहीं किया है। इसी तरीके से पैसों का गिनना, कि हम बार बार पैसों को गिनते हैं, बार बार अगर अपने हम जिस मजहबी रिवायत से हमारा ताल्लुक होता है वहां पर हम उस तरह के काम को बहुत ज्यादा करते हैं या बहुत ज्यादा तवज्जो के साथ करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर है कि हर चीजों को सही तरीके से सजा के रखते हैं, हर चीज की सफाई करते हैं, वगैरह वगैरह।
यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह की जो इलामत है वो इसी तरह की जुनूनी मजबूरी की खराबी में देखने को नजर आती है। अब यहाँ पर कि जुनून की इलामत क्या है और मजबूरी की इलामत क्या है, तो जुनून की इलामत में हम ये देखते हैं कि हमारे जुनून की इलामत में हमारे जहन में वैसे ख्यालात बार बार आते हैं, लगातार बने रहते हैं, जिससे कि हम परेशान होते रहते हैं। और वो चीज़ें जैसे कि किसी चीज़ को बार बार छूना, किसी चीज़ को या दूसरे लोगों से हम हाथ मिलाने से डरते हैं, उनसे बात कर उनके साथ अगर हमारा जिस्म है अगर वो उसमें उसकी छुअन से हम डरते हैं कि कहीं हम उनकी बीमारी उनके अंदर कोई बीमारी है या कोई गंदगी है वो हमको लग ना जाए वगैरह वगैरह। तो और या हम बार बार अपने घर के दरवाजे को खोल के बंद करके देखते हैं कि वो सही तरीके से बंद है या नहीं, यानी कि ये ख्याल आपने बंद कर दिया लेकिन आप फिर थोड़े दिन के बाद आप उसको खोल के देखते हैं, या अगर आपने ताला लगाया तो आप ताले को खींच के देखते हैं, तो ये ख्याल जो है वो बार बार आपके जहन में आते हैं। आपने देख लिया कि आपने ताले को खींच के भी देख लिया लेकिन फिर भी आपको इत्मीनान नहीं होता है कि आपने ताला लगा दिया, आप थोड़ी देर के बाद फिर से वापस आते हैं और फिर से उसको खींच के देखते हैं। तो इस तरह की जो इलामत है वो जुनून की इलामत कहलाती है, और मजबूरी की इलामत होती है कि हम उस काम को अंजाम देते हैं। जैसे कि आपके जहन में ये ख्याल आ रहा है कि आपने ताला सही तरीके से नहीं लगाया है, तो वो ख्यालात आपको इतना मजबूर करता है कि आप जा करके उस ताले को खींच के देखते हैं। आपके जहन में वो ख्याल इतना ज्यादा आते हैं कि आपने साफ से हाथ की सफाई साफ अच्छे तरीके से नहीं की है, तो आप घंटों अपने हाथ को साबुन और पानी से धोते रहते हैं। आपको अगर आपके जहन में ये ख्याल आते हैं कि आपके जिस्म में कहीं ना कहीं गंदगी रह गई है, तो हम घंटों और बहुत ज़्यादा पानी और साबुन का इस्तेमाल करके अपने जिस्म की सफाई करते हैं। हद तो ये होता है कि ऐसे लोगों के जिस्म जो है वो छिल जाते हैं, उसमें से खून निकलने लगता है, फिर भी उनके जहन में ये ख्याल आते रहते हैं कि उनके जिस्म की सफाई नहीं हुई है, उनके हाथ की सफाई नहीं हुई है, और उन्हें ऐसा लगातार करते रहना चाहिए। तो इसे मजबूरी की इलामत कहते हैं। अब इसकी कितने तरह के इकसाम हैं, तो इकसाम में भी ये होती है खास तौर पर कि हम ये देखते हैं कि चेक करना कि सही चीज़ सही तरीके से हुई है या नहीं है, कहीं कोई गंदगी तो नहीं रह गई है, या कोई और चीज़ जो है वो सही तरीके से जो रखी होनी चाहिए थी वो है या नहीं है, या फिर इससे जुड़ी हुई और भी ऐसे ख्याल आते हैं जिससे कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर उसका असर पड़ता है। जो ख़ास तौर पर जुनून जो है वो देखने को जो नज़र आता है उसमें सफाई का जुनून है, मज़हब से जुड़ा हुआ जुनून है, गुस्से से जुड़ा हुआ, और कंपल्शन या मजबूरी जिसे कहा जाता है उसमें धोना, किसी चीज़ को जमा करना, ऑर्डर में रखना वगैरह वगैरह चीज़ें शामिल हैं। DSM-5 का जो मयार है उसमें ये बातें ख़ास तौर पर बताई गई है कि इसमें भी जुनून के लिए और मजबूरी के लिए ये ज़रूरी है कि वो लगातार होता हो और ज़रूरत से ज़्यादा हो, और इस तरह से हो कि वो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मदाखलत करे और वो चीज़ें सिर्फ इसी चीज़ का रिजल्ट हो या नतीजा हो, ना कि किसी और बीमारी का या किसी और दवाइयों का नतीजा हो। तो DSM-5 में इन चीज़ों पर ख़ास तौर पर जोर दिया गया है। और ये जहाँ तक इसके फैलाव का सवाल है वो ये देखा जाता है कि औरतों में मर्दों के मुकाबले ज़्यादा होता है, लेकिन अगर ये बीमारी है तो कभी कभी ये देखा जाता है कि मर्दों में भी ज़्यादा देखा जाता है ना कि औरतों में देखा जाता है। और इसके फिर वजूहात में भी अलग अलग इसके वजूहात हैं, इसके कुछ हयातियाती हैं, कुछ नफ्सियाती हैं। इसमें हयातियाती में जहन और उसके जीन्स को ज़्यादा जगह तवज्जो दी गई है, और नफ्सियाती में रवैयात को और इल्मी जो थ्योरी है उस पर ज़्यादा तवज्जो दी गई कि ये जो हमारा हमारी जो सोच है वो काफ़ी हद तक उसमें अगर उसमें बदलाव की वजह से ऐसा होता है, और उसकी वजह से हमारी जो सोच है जो अगर उसमें गलत सोच की तरफ हम बढ़ जाते हैं तो हम इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा एक टर्म इसका इस्तेमाल किया जाता है जिसको पांडास कहा जाता है, जिसमें कि पेडियाट्रिक ऑटो इम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर कहा गया है, कि जिसमें कि कुछ ऐसे उसके इलामत जो इसमें देखी जाती हैं जो कि
अलग अलग तरह के जिंसी, इसको हम कह सकते हैं कि ये कि जिंसी डिसऑर्डर की वजह से ये चीजें देखने को मिलती हैं। फैमिली स्टडीज में भी देखा गया है और जुड़वा बच्चों में के तौर पे भी देखा गया है कि जिनके अगर माँ बाप में इस तरह की बीमारी की शिकायत होती है, तो यानी कि ये हम इसे हेरिडिटरी भी कह सकते हैं। हमारे माहौलियात में भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से हम इस बीमारी के शिकार हो सकते हैं। और फिर इसका जो इलाज है, उसके इलाज में सबसे पहले हम इल्मी जो थ्योरी है उसके बेसिस पे इसका इलाज करते हैं कि सबसे अपनी सोच में, अपने हम ख्यालात में अगर बदलाव लाते हैं, यानी कि हमारी सोच अगर बदल जाती है, तो काफी हद तक हम इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। और अपने जो सोचने समझने का जो हमारा नजरिया है, उसको उसमें बदलाव जो है वो जरूरी होता है। और उस नजरिए में जब हम एक्सपोजर देते हैं, यानी कि उसका हमारा जब सामना होता है, तो उसकी वजह से भी हम काफी हद तक इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। और फिर दवाइयों का भी अपनी खास जगह होती है, जिसमें जिसकी जिसका इस्तेमाल करके हम इस जुनूनी मजबूरी की खराबी से काफी हद तक बच सकते हैं, जिसमें कुछ एंटी डिप्रेसेंट और ये कह सकते हैं ट्रैंकुलाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा इसमें किया जा सकता है, जिसकी वजह से हम इस बीमारी से काफी हद तक निकल सकते हैं। फिर गामा नाइफ, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का भी इस्तेमाल इसमें करके जुनूनी मजबूरी की खराबी से हम निकल सकते हैं। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज की इस गुफ्तगू से कुछ फायदा हुआ होगा और इसमें आपने तश्वीश से जुड़ी हुई बीमारी और जुनूनी मजबूरी से जुड़ी हुई खराबी के बारे में जानकारी हासिल की। उम्मीद है आपको इससे जरूर कुछ फायदा हुआ होगा और अगले क्लास में फिर इसी तरह से एक नए उन्वान के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।